ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये मलदैया से हमारा कचहरी तक जाएगा। ये रैली में क्या विशेष है, क्या मांगे हैं? विशेष मांगे हैं कि जो आरक्षण के बारे में शोर किया जाता वो हम लोगों को कुछ नहीं किया जाता। नमस्कार साथी, मैं डॉक्टर आर एस पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना सामाजिक संगठन। डॉक्टर साहब, आज किस तरह की रैली निकाली जाएगी? मित्र, आज ऐतिहासिक दिवस है। आज यही के दिन 1902 में 26 जुलाई को वंचित पिछड़े शोषित वर्ग हेतु छत्रपति राजर्षि साहू जी महाराज ने पिछड़ों वंचितों हेतु 50% आरक्षण लागू किया था। आज 26 जुलाई को सरदार सेना सामाजिक संगठन और तमाम सैकड़ों सामाजिक संगठनों को एकजुट करके हम लोग आरक्षण दिवस के रूप में आज प्रतिनिधित्व तो मार्च कर रहे हैं। सामाजिक न्याय मार्च आज पैदल मार्च हो रहा है, सामाजिक न्याय मार्च। ये क्या मार्च में कहां से कहां क्या करना है? आज मलदैया चौराहे से, बनारस के मलदैया चौराहे से कचहरी मुख्यालय तक ये सैकड़ों के तादाद में जो आपको लोग दिख रहे हैं, ये सैकड़ों के तादाद में साथी लोग आज मार्च करेंगे। और 5 सूत्री मांग सरकार से आज हमारी है। पहला मांग है कि हमारे पूरे शोषित वर्ग, संपूर्ण पिछड़े वर्ग के लिए फोर्थ ग्रेड यानी चपरासी की नौकरी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक फर्स्ट ग्रेड की नौकरी तक हमें हमारी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व तो चाहिए। दूसरा है, जो धड़ाधड़ सरकार प्राइवेटीकरण की तरफ काम कर रही है, तो अब हमारा मांग है कि चपरासी से लेकर हायर चेयर तक, सुप्रीम कुर्सी तक, हम सभी को अर्ध सरकारी, संविदा, प्राइवेट सभी नौकरियों में हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, संपूर्ण पिछड़े वर्ग को। तीसरा है, सरकार जो आज तक आज़ादी से लेकर 1950 से जब संविधान लागू हुआ तब से लेके आज तक में जो स्थिति हुई, पिछड़ों को तमाम विभागों में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, इसलिए हमारा मांग है कि आज़ादी से लेकर आज तक सभी विभागों में जहां पिछड़ों का व्यवस्था नहीं मिला, प्रतिनिधित्व नहीं मिला, आज से अब हमें हर विभागों में शोषित वर्ग, पिछड़े वर्ग को संपूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात पहले बैकलास, बैकंदी फुल किया जाए।